चलो कहाँ तक हो गया था लास्ट? अच्छा सॉइल ऑर्डर कंप्लीट हो गए थे। सॉइल ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका? सॉइल ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ अपन चलते हैं, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया की कुछ बेसिक सॉइल की अपन बात करेंगे जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे जो सबसे पहले अपने पास में ये इंडिया में सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है वो एल्यूवियल सॉइल का होता है। और एल्यूवियल सॉइल किसको बोलते हैं बेटा? अगर एरिया की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल का 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया होता है और इंडिया के अंदर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा सॉइल होती है। क्या जानते हो एल्यूवियल सॉइल के बारे में? किसको बोलते हैं एल्यूवियल सॉइल? दीक्षा, जो स्ट्रेटिफिकेशन देखो अपन ने पेरेंट मटेरियल पढ़ा था, और पेरेंट मटेरियल में अपन ने दो टाइप के पेरेंट मटेरियल पढ़े थे। कौन कौन से दो टाइप के पेरेंट मटेरियल पढ़े थे बेटा अपन ने? एक अपन ने पढ़ा था सेडेंट्री, और दूसरा अपन ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेड। सेडेंट्री पेरेंट मटेरियल कौन सा होता है? ऐसा पेरेंट मटेरियल जो जही जो जहां पे फॉर्म्ड हो रहा है वहीं पे क्या होता है, रहता है। तो इसको अपन बोलते हैं सेडेंट्री, यानी जिसका निर्माण जहां हुआ वहीं पे रहता है उसको सेडेंट्री बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल कौन सा होता है? ऐसा पेरेंट मटेरियल जिसका फॉर्मेशन तो कहीं और हुआ है लेकिन वो ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह जा चुका है, उसको अपन ने ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल बोला था। और ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल में अपन ने पढ़ा था कि जो इनके नाम होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अकॉर्डिंग टू मैन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मैन फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि अगर ग्रेविटी की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसको अपन कोलुवियल बोलेंगे, वाटर की वजह से हो रहा है तो इसको अपन एलुवियल बोलेंगे, ठीक है। अगर विंड से हो रहा है तो इयोलियन बोलेंगे या लुइस बोलेंगे, ये अलग अलग टाइप पढ़े थे अपन ने। अगर ये सी वाटर से हो रहा है तो मेराइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग चीज़ें पड़ी थी। अगर लेक से हो रहा है, जो मीठे पानी की झीलें हैं उनसे हो रहा है तो इसको अपन लॉकस्ट्राइन बोल रहे थे। तो ये कुछ सारी चीज़ें अपन पढ़ रहे थे बेटा। अब बात आई है एलिवेल सोयल की, तो अपन ने ये चीज़ क्यों आपको याद दिलाई है? क्योंकि इसी से ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ेंगे। देखो एल्यूवियल टाइप का पेरेंट मटेरियल किसको बोल रहा था? जो पेरेंट मटेरियल अपनी मेन जगह से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह जा रहा है, और जाने वाला मेन फैक्टर क्या था? वाटर था। वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी सोयल जिसका फॉर्मेशन वाटर के द्वारा होता है या वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन के फलस्वरूप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एल्यूवियल सोयल बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। अब अपन बात कर रहे थे एल्यूवियल सॉइल की, तो अपन ने बोल दिया कि इस सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो वाटर की वजह से होता है। और कहाँ पे होता है? देखो जैसे आपके पास में एक कोई क्या है, नदी है, और ये नदी क्या है, कहीं पर जाकर समुन्द्र में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? समुन्द्र में मिल रही है किसी में, ठीक है। तो इस जहाँ पे नदियाँ समुन्द्र में मिलती है वहाँ पे एक क्षेत्र बनता है जिसको अपन बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं बेटा। ये आपका क्या है, नदी का, ये समुद्र का पानी है। ये क्या है, आपकी कोई नदी आ रही है, ये पानी जब आकर आपके इस समुद्र में मिलेगा तो इसके आसपास एक क्षेत्र बनता है। इस क्षेत्र को अपन ने क्या नाम दे दिया? डेल्टा क्षेत्र। इस डेल्टा क्षेत्र में एलिवियल सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, इधर से क्या आता जा रहा है, वाटर आ रहा है,
और ये वाटर यहाँ पर आकर अपनी स्पीड को बिल्कुल स्लो कर लेगा समुद्र में मिलने से पहले, बिल्कुल तो अपनी स्पीड को स्लो करेगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये पानी कुछ समय के लिए रुक जाएगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा यस बेटा? सर। अगर ये पानी यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक रहा है तो इसके अंदर जो प्रेजेंट मटेरियल है, अब देखो ये किसको बहा कर ले रहा, लेके आ रहा है, ये जो नदियां आ रही थी आपकी, ये कहाँ से आ रही थी? नदियां आ रही है ये आपकी चट्टानों से होती हुई आ रही है, तो ये अपने साथ क्या होगी, जो रॉक्स का वेदर्ड प्रोडक्ट है उसको लेके आ रही है, और धीरे धीरे क्या कर रही है उसको छोटे छोटे पार्ट में, क्योंकि अपन ने पढ़ा था जब वेदरिंग पढ़ी थी कि वाटर क्या होता है, कटिंग पावर रखता है, रॉक्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की क्षमता रखता है, या छोटे पार्टिकल को और अधिक छोटे भाग में तोड़ने की क्षमता रखता है। यस सर। अरे भाई आपने बजरी देखी है ना, सभी ने, हाँ मकान बनाने वाली, उसमें आपने देखे होंगे कि पत्थर बिल्कुल राउंडेड शेप के होते हैं, ऐसा थोड़ी होते कि कोई इरेगुलर शेप के, कुछ इस प्रकार के पत्थर थोड़ी पाए जाते हैं, गोल पत्थर यस होते हैं। तो क्या वो हमेशा ही गोल सर। थोड़ी होते थे? वो क्या हो रहा है, पानी के साथ घूम रहे हैं, और पानी क्या हो रहा है, इनकी जो ये फेस है, इनके जो कोने हैं, इन कोनों के ऊपर एक कटिंग पावर लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फेस है, ये आपके ये कोने हैं, वो कट करके आगे होते जा रहे हैं, धीरे धीरे गोल होते जा रहे हैं। हो रहे कि नहीं हो रहे बेटा? यस तो वॉटर क्या होता है, कटिंग पावर रखता सर। है, तो ये क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे मटेरियल बहाकर लेके आता है, और जैसे ये पानी यहां पे रुकेगा, ये मटेरियल यहां पे डिपॉजिट होने लग जाएगा, बैठने लग जाएगा। आ गया समझ में यहां तक? अब ये देखो मटेरियल यहां बैठ रहा है, यहां डिपॉजिट हो रहा है, तो ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक को बोला जाता है खादर और दूसरे को बोला जाता है बांगर। खादर क्या होता है, ऐसा पेरेंट मटेरियल या ऐसी सोयल, बेसिकली अपन सोयल की बात कर रहे हैं तो सोयल के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी सोयल जो रिसेंटली अभी अभी डिपॉजिट हुई है। कौन सी? जो रिसेंट डिपॉजिट हुई है भाई, जैसे क्या हुआ, पानी बहकर आया, जैसे आपने देखा होगा बरसात की सीजन में चदरे लगी हुई थी, चदरों से पानी नीचे गिरता है, और गिरकर एक छोटी नाली बनाकर कहीं एक कोने में जाकर इकट्ठा हो जाता है। यस अगर ये पानी कहीं कोने पर जाकर इकट्ठा हुआ है, और इकट्ठा होने के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे वो मिट्टी नीचे की तरफ बैठने लग जाएगी, बेटा बैठेगी कि नहीं बैठेगी? सर। नीचे की तरफ बैठ गई है, तो बैठते ही जो सबसे पहली सोइल बनती है उसको अपन नाम देते हैं खादर, ये एल्यूवियल सोइल होती है। खादर क्या होती है, रिसेंटली डिपोजिट हुई है, और बांगर क्या है, आपकी ओल्ड डिपोजिट सोइल होती है। भाई जैसे अगर आपने बात की आज बरसात हुई, और अपन कल जाके देख रहे हो तो ये खादर है, और आप कई सालों बाद जाकर देख रहे हो तो क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं बांगर, यानी ओल्ड डिपॉजिट सोइल होती है उसको बांगर बोलते हैं, और न्यू डिपॉजिट या रिसेंटली डिपॉजिट होती है उसको खादर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं इस सोयल की, तो जो एल्यूवियल सोयल है इसके अंदर बेसिकली ऑर्डर कौन कौन से डोमिनेंट होते हैं बेटा? अगर ऑर्डर की बात करते हैं एल्यूवियल सोयल में, तो कौन कौन से ऑर्डर डोमिनेंट होते हैं आपके? इंसेप्टिसोन एंटीसोल, एंटी इंसेप्टिसोल, मेनली ये दो ऑर्डर होते हैं, एंटीसोल और इंसेप्टिसोल, और इंडिया की मोस्ट ऑफ द केस की सोइल में ये दोनों ऑर्डर डोमिनेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हो तो एल्फीसोल भी यहाँ पाया जाता है, तो ये तीन ऑर्डर हो गए बेसिकली आपके, मेनली एंटीसोल और इंसेप्टिसोल ऑर्डर पाए जाते हैं। अब देखो ऑर्डर आपको पहले पढ़ाने का एकमात्र रीजन यही था कि आपको सोयल में इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी, सारी चीजें आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगी, जैसे मैं ऑर्डर का नाम बोलूंगा प्रॉपर्टी आपको याद है। देखो बेटा मैंने ये बताया था कि तीन ही ऐसे ऑर्डर हैं आपके जिनके अंदर इनकम्प्लीट प्रोफाइल होती है, बताया था क्या, ई आई वी सी, सर। बताया था ई आई वी, ई का मतलब एंटीसोल, यस इंसेप्टिसोल और वर्टिसोल, मतलब प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है बेटा, प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हुई सर। ना यहाँ पे, और मैंने डोकुचेव का जोनेलिटी क्लासिफिकेशन भी बताया था आपको, और जोनेलिटी क्लासिफिकेशन में अपन ने तीन टाइप के सोयल पढ़ी थी, या तीन टाइप की कैटेगरी पढ़ी थी, पहली थी जोनल, इंट्रा जोनल, और तीसरी अपन ने पढ़ी थी ए जोनल कैटेगरी, यही पढ़ा था। अब देखो इन कैटेगरी के अंदर आपको दो चीजों के बेसिस पे, एक तो अपन ने पढ़ा था प्रोफाइल, और दूसरी अपन ने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज के बारे में।
प्रोफाइल जोनल कैटेगरी के अंदर कंप्लीट डेवलप होती है और इंट्रा जोनल कैटेगरी के अंदर भी कंप्लीट डेवलप होती है, ये अपन ने पढ़ा था। एजोनल कैटेगरी के अंदर प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती, ये अपन ने पढ़ा था। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पे जो वेरिएशन आ रहा था वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आ रहा था, इंट्रा जोनल में लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आ रहा था। तो अपन ने यहां पे पढ़ा था कि लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन में सारी प्रॉब्लमेटिक सोइल आएगी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब मैंने आपको सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ाई थी वहां पे जनरल प्रोसेस और स्पेसिफिक प्रोसेस पढ़ाई थी वहां पे आपको ये चीज बताई थी मैंने अच्छे तरीके से। यस सर। तो देखो बेटा यहाँ पे जोनल कैटेगरी के अंदर प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप होती है और जो वेरिएशन आ रहा भाई सभी जगह तो प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप है तो सभी जगह की प्रोफाइल एक जैसी होनी चाहिए फिर तो, लेकिन नहीं होती है। तो वेरिएशन आता है वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आता है, इंट्रा जोनल में लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से आता है जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक सोइल का फॉर्मेशन होता है, और एजोनल कैटेगरी के अंदर प्रोफाइल ही कंप्लीट डेवलप नहीं होती है। और मेन रीजन होता है टाइम लिमिटिंग फैक्टर होता है कि यहाँ सफिशियंट टाइम मिल नहीं पाता है एक कंप्लीट प्रोफाइल के फॉर्मेशन के लिए। यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बेटा यहां तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। अब देखो वापस से अपन बैक चलते हैं, ये क्यों आपको याद दिलाया क्योंकि आपको जो समझ में वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर कौन से आपके पास में एंटी और इनसेप्टिसोल ऑर्डर है कि नहीं है? यस सर। क्या एंटी और इनसेप्टिसोल में प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप हो पाती है क्या? नो सर। नहीं हो पाती ना? नो सर। और कौन सी कैटेगरी के अंदर प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती है? एजोनल कैटेगरी के अंदर। तो अपन बोलते हैं कि जो एलिवियल सोयल है आपकी वो बेसिकली एजोनल कैटेगरी की सोयल है। कौन सी कैटेगरी की सोयल है? एजोनल कैटेगरी की सोयल है, मतलब प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हुई है यहाँ पे, अभी प्रोफाइल फॉर्मेशन चल रहा है। मतलब क्या है, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यू है, वेदरिंग कंटिन्यू चल रही है, कंप्लीट वेदरिंग भी नहीं हो पा रही है और कंप्लीट सोइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। यहां तक समझ में आ गया क्या? बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या? यस सर। अब देखो बेक वापस चलो, इन सब कॉन्सेप्ट को यहां पर कनेक्ट करते हैं अपन। ये देखो आपके पास में अपन ने बोला खादर और बांगर दो टाइप की सोइल पड़ी है। खादर कौन सी होती है जो रिसेंटली डिपॉजिट हुई है, बांगर कौन सी होती है जो ओल्ड डिपॉजिट है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब देखो यहां पर जो रिसेंटली डिपॉजिट हुई है प्रोफाइल फॉर्मेशन तो कंप्लीट नहीं है, मतलब वेदरिंग कंटिन्यू चल रही है। मतलब क्या है कि बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे? बेटा टूट रहे क्या? तो जो खादर होता है उसमें जो सोयल के पार्टिकल है वो कोर्स पार्टिकल है, बड़े पार्टिकल है, और बांगर में क्या है वेदरिंग हो जाती है, इसकी वजह से ये पार्टिकल लगातार फाइन पार्टिकल में यानी पतले पार्टिकल में कन्वर्ट होते रहते। दोनों के अंदर बांगर ज्यादा वेदर्ड होती है एज कंपेयर टू खादर। ये चीज समझ में आ गई क्या? भाई जो आज जमी वो खादर है तो उसके अंदर वेदरिंग कम है, जिसको अगर अपन आज के 5 साल बाद देखेंगे तो उसमें आज से तो ज्यादा वेदरिंग होगी ना, होगी क्या बेटा? क्या बात, आज रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो अच्छे तरीके से, या ऐसा है कि ज्यादा क्लास लगा दी तो थक गए हो? नो सर। देखो एलिवियल सोइल के बारे में देखा था, ये सोइल का फॉर्मेशन वाटर के द्वारा होता है, सबसे ज्यादा एरिया है। फिर इसके बाद में देखा था ये डेल्टा एरिया के आसपास बनती है। अब देखो डेल्टा क्षेत्र है जहां पे नदियां समुद्र के में मिलती है, और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा यूपी में पाया जाता है। भाई गंगा ब्रह्मपुत्र नदी यूपी में ही तो है। यस सर। तो मैक्सिमम ये सोयल कहां पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है, यूपी में प्रेजेंट होती है। दो टाइप में डिवाइड किया खादर और बांगर। खादर रिसेंटली डिपॉजिट है, बांगर क्या है ऑल्ड डिपॉजिट है। खादर में पार्टिकल कोर्स होते हैं और बांगर में पार्टिकल फाइन होते चले जाते। फिर अपन ने ये देखा कि ये सोयल के अंदर जो ऑर्डर होते हैं एंटीसोल इनसेप्टिसोल ऑर्डर होते हैं, एंटीसोल और इनसेप्टिसोल के अंदर प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती, और प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं होती थी किस कैटेगरी के? एजोनल कैटेगरी की सोयल होती है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया?
चलो आगे की तरफ चलते हैं। यस सर। अब देखो सिलिकेट क्ले की बात करते हैं, तो सिलिकेट क्ले में इस सोयल के अंदर कौन सा सिलिकेट क्ले डोमिनेंट होता है? इलाइट। कौन सा होता है? इलाइट होता है। इलाइट। तो इलाइट के बारे में बात करें तो इलाइट की सीईसी कितनी होती है बेटा? 15 से 40 सेंटीमोल पर केजी होती है। यस अब अगर मैं बात करता हूँ सिलिकेट के लिए की, तो यहाँ पे ऑर्डर एंटीसोल और इंसेप्टिसोल हो गया था, सिलिकेट कौन सा हो गया? इलाइट हो गया। अब देखो बेटा इस सोइल के अंदर जो ऑर्डर पाया जाएगा या जो सिलिकेट क्ले पाया जाएगा उसी की प्रॉपर्टी तो इसके अंदर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस तो यहाँ पे जो सीईसी है ना, तो इसकी सर। बहुत ज्यादा होती है ना ही कम होती है, इसको इंटरमीडिएट कैटेगरी में अपन रखते हैं। अपन यही बोलते हैं कि नियर अबाउट इसकी 25 to 40 के बीच में या 30 to 40 के बीच में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। यूनिट क्या होगी? सेंटीमोल पर केजी। अब देखो 25 to 40 सेंटीमोल पूछता है और आपको अगर ऑप्शन एल्यूवियल भी देता है और रेड सोइल भी देता है, तो आपको क्या करना है? 25 to 40 के बीच में आपको रेड सोइल करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेड सोइल की सीईसी फिक्स है 25 to 40 सेंटीमोल पर केजी के बीच में ही होती है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। अब देखो मैंने बात की, ये देखो आपके पास में ये आपका एक घर है, यहां से पानी चादरों से नीचे गिरा आपके, और गिर के क्या हुआ? एक लाइन बनाकर यहां से बहता हुआ यहां आकर इकट्ठा हो गया। अब देखो यहां एक कर इकट्ठा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा? मिट्टी क्या होगी? नीचे की तरफ बैठ जाएगी। बैठेगी कि नहीं बैठेगी? यस सर। दूसरे साल फिर से बारिश होगी, फिर से पानी बहेगा और बहकर यहां आकर इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपने इसको डिस्टर्ब नहीं की तब की बात करें, अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप टीलेज कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में ये मिक्स हो जाएगी। तो देखो इसके ऊपर फिर से एक लेयर बन जाएगी, एक लेयर इसके ऊपर फिर जमा हो जाएगी। तीसरे साल फिर से क्या होगी? बारिश होगी, फिर से पानी आएगा, बहकर इसके ऊपर फिर से एक लेयर जमा कर देगा कि नहीं करेगा? फिर उसके बाद में फिर अगले साल बारिश होगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर जमा करेगा कि नहीं करेगा? कर देगा। ये सिचुएशन बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर। तो अपन इनको बोलते हैं लेयर सोयल। लेयर सोयल बोलेंगे क्योंकि इन सोयल का फॉर्मेशन लेयर के फॉर्म में हो रहा है, एक के ऊपर एक परत के रूप में हो रहा है, और लेयर को नाम देते हैं अपन क्या? स्ट्रेटा। क्या नाम देते हैं? स्ट्रेटा। और स्ट्रेटा के फॉर्मेशन की प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ एलुवियल सोइल। कौन सी सोइल का है? एलुवियल सोइल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं रॉक्स का, तो रॉक्स में कौन सी रॉक्स का है ये? सेडिमेंट। सेडिमेंट्री। अगर रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक्स का है, और सोयल की बात करें तो एलिवियल सोयल का। भाई स्ट्रेटा बन रहे, एक के ऊपर एक परत बन रही है, परत को बोलते हैं स्ट्रेटा, लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटा। अगर लेयर की फॉर्मेशन में सोयल बन रही है तो इसको बोलेंगे अपन स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके एलिवियल सोयल का। अगर मैं बात करता हूँ इंडियन सोयल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन सोयल के अंदर मेजर केस में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और नाइट्रोजन की जहां डेफिशिएंसी होगी ऑर्गेनिक कार्बन की भी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बोल लो या फिर ऑर्गेनिक मैटर बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक ही बात है, बस कन्वर्जन फैक्टर के अपन बेमलेन जो फैक्टर होता है वो फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखो यहां पे अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर दो चीजों का मेन सोर्स होता है, एक तो नाइट्रोजन और सल्फर का। अब जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर की डेफिशिएंसी होगी, डेफिनेट से आपके पास में नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी होगी, तो मोस्ट ऑफ द इंडियन सोयल होती है वो ऑर्गेनिक मैटर में डेफिशिएंट होती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इंडियन सोयल के अंदर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। वहीं पे ऑर्गेनिक मैटर की अगर आपके पास भी सफिशियंसी है तो नाइट्रोजन और सल्फर भी सफिशियंट होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बेटा जैसे मैंने बात की कि अगर यूरिया नाइट्रोजन का सोर्स है, अगर मान लिया कि आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, आप यूरिया को एज ए नाइट्रोजन का सोर्स यूज कर रहे हो, तो अगर आपके पास में यूरिया नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है, मैं ये बोल सकता हूं ना? यस सर।
तो सेम चीज है कि सोयल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मेन सोर्स होता है नाइट्रोजन और सल्फर दो न्यूट्रिएंट का, बाकी सभी के मिनरल मैटर होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर की इंडिया की सोयल में डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली आपके पास में नाइट्रोजन और सल्फर की डेफिशिएंसी होती है। बाकी और न्यूट्रिएंट में ये जो सोयल होती है वो मोर और लेस फर्टाइल सोयल की कैटेगरी में आती है, प्रोडक्टिव सोयल की कैटेगरी में अपन ले सकते हैं। अब देखो दो टर्म आते हैं आपके पास में, एक तो आता है फर्टाइल सोयल और दूसरा आता है प्रोडक्टिव सोयल। अब देखो फर्टाइल सोइल और प्रोडक्टिव सोइल की बात कर रहे हैं। फर्टाइल सोइल क्या होती है? ऐसी सोइल जिसमें न्यूट्रेंट कंटेंट हाई हो, या ऐसी सोइल जिसकी प्लांट को न्यूट्रेंट सप्लाई करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, उसको फर्टाइल सोइल का अपन बोलेंगे। दूसरा प्रोडक्टिव सोइल का मतलब यह हुआ कि ऐसी सोइल जो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा दे रही है, क्या कर रही है? क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा दे रही है, उसको अपन बोलेंगे प्रोडक्टिव सोइल। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब देखो मैंने बात की कि एक सोयल के अंदर बहुत अच्छे न्यूट्रेंट है लेकिन फिर भी वो प्रोडक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो माना कि अपन बात करेंगे कि भाई फर्टिलिटी एक पॉइंट होता है प्रोडक्शन लेने का, कि अच्छे न्यूट्रेंट होंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन अच्छा न्यूट्रेंट होना ही सब चीजें नहीं होती। जैसे मैंने बात की एक अच्छे न्यूट्रेंट वाली आपके पास में क्या है, सोयल है, लेकिन उसके अंदर क्या है, हाई वाटर टेबल है, तो लीचिंग ज्यादा हो रही है, सफिशियंट एयर नहीं मिल पा रही है रेस्पिरेशन के लिए क्रॉप को, तो क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी क्या सफिशियंट न्यूट्रेंट होने के बाद भी? नो सर। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव क्या होता है कि देखो एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए टोटल फैक्टर की बात करें तो 52 फैक्टर होते हैं, उनमें से 7 अनकंट्रोल फैक्टर होते हैं और 45 कंट्रोल फैक्टर होते हैं। इन 52 में एकमात्र फैक्टर है फर्टिलिटी, तो बाकी 51 फैक्टर जब ऑप्टिमम होंगे तब जाकर ही तो प्रोडक्शन मिलेगा अपने को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? तो देखो फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया की सबसे जो फर्टाइल सोइल मानी जाती है उस सोइल को बोलते हैं अपन ब्लैक सोइल, क्योंकि ब्लैक सोइल के अंदर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। और अपन ने पढ़ा था कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बेस सेचुरेशन और सोइल की फर्टिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। कि देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि सीईसी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, डायरेक्टली रिलेटेड किससे होती है ये, आपके बेस सेचुरेशन से। तो जैसे जैसे सीईसी बढ़ेगी वैसे सेचुरेशन बढ़ेगा, और बेस सेचुरेशन बढ़ेगा तो सोइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, ये अपन ने पढ़ा था। तो ब्लैक सोइल की सीईसी ज्यादा होती है इसलिए वहां पे न्यूट्रेंट सप्लाइंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, सोइल की फर्टिलिटी तो अच्छी होती है, लेकिन ब्लैक सोइल के अंदर वाटरलॉग सिचुएशन डेवलप हो जाती है बेटा। और वाटरलॉग्ड सिचुएशन में क्रॉप अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाती क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, और अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो क्या वो प्रोडक्शन दे पाएगी क्या अच्छा? No, तो अगर फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ब्लैक सोइल को इंडिया की सबसे फर्टाइल सोइल माना जाता है, और प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो प्रोडक्टिव सोइल होती है आपकी एल्यूवियल सोइल। इंडिया की सबसे प्रोडक्टिव सोइल कौन सी मानी जाती है? एल्यूवियल सोइल मानी जाती है क्योंकि इसमें क्या है ऑप्टिमम एयर और वाटर रेशियो है। और अपन ने जब कंपोनेंट पढ़े थे स्टार्ट में तब अपन ने देखा था कि कंपोनेंट के अंदर आपके पास में 50% सॉलिड और 50% नॉन सॉलिड, और नॉन सॉलिड में 25% एयर 25% वाटर, और आपके सॉलिड में 45% मिनरल मैटर और 5% आपके ऑर्गेनिक मैटर, यही पढ़ा था अपन ने। तो जब ऑप्टिमम एयर और वाटर फिल्ड पोरोसिटी होगी तभी प्रोडक्शन होगा, तो ये एलिवेल सोइल में मिल पाता था, एलिवेल सोइल में प्रोडक्शन अच्छा होता है। अपन ने जितनी भी चीजें देखी वो सारी पुरानी पड़ी हुई चीजें ही है। जैसे स्टार्ट से देख लेते हैं अपन एक बार एलिवियल सोइल को, सबसे इंपॉर्टेंट सोइल है एलिवियल सोइल है, वाटर के द्वारा बनती है। अब देखो वाटर के द्वारा बन रहे तो इनको वाटर सोइल भी आप बोल सकते हो, या फिर सेल रॉक्स बोल रहे थे यहाँ पे, सेल सोइल बोल लो, वैसे जनरली सेल सोइल टर्म यूज नहीं होता है, वाटर सोइल बोल सकते हो आप क्योंकि इनका फॉर्मेशन वाटर के द्वारा हो रहा है। फिर यहाँ पे अपन ने बोला था कि डेल्टा क्षेत्र में बनते हैं, खादर और बांगर होता है, खादर में कोर्स टेक्सचर होता है, बांगर में फाइन टेक्सचर होता है। फिर अपन ने बात की थी कि इसके अंदर जो ऑर्डर डोमिनेंट होगा उन ऑर्डर की प्रॉपर्टी आएगी, एंटी सोल और इंसेप्टी सोल ऑर्डर डोमिनेंट है तो एजोनल कैटेगरी की ये सोयल होती है मेनली, यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाती है तो वेदरिंग हमेशा चलती रहती है। सिलिकेट क्ले में इलाइट पड़ा था तो इलाइट की सीईसी के हिसाब से इसको इंटरमीडिएट कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से अपन बोलते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इन सोयल का।
यहाँ पे इन सोयल को इंडिया की सबसे अच्छी प्रोडक्टिव सोयल की कैटेगरी में रखा गया है। फर्टाइल सोयल में डेफिनेटली आपकी ब्लैक सोयल आएगी, और ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन की यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो सेकंड सोयल की बात करें तो सेकंड सोयल है आपकी रेड सोयल, जो आपकी एरिया वाइज 15 मिलियन हेक्टेयर होती है। और अगर वैसे अपन बात करते हैं रेड प्लस येलो, जो नए IEEE के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो रेड एंड येलो सोइल की आती है जो इंडिया के अंदर सेकंड पोजीशन पे। अगर अकेला रेड आता है तो ये लास्ट पोजीशन पे है, रेड प्लस येलो आता है तो इंडिया में सेकंड पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा एलिवियल सोइल होती है और सेकंड नंबर पे रेड प्लस येलो सोइल होती है, अगर आपके ये ऑप्शन में मिलता है नए IEEE के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? कि नए IEEE के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेड प्लस येलो दोनों सॉइल मिलाकर सेकंड पोजीशन पे, अकेली रेड सॉइल है ये सबसे लास्ट पोजीशन पे आती है। रेड सॉइल की बात कर रहे हैं तो इस सॉइल का कलर होता है वो रेड कलर होता है कि नहीं होता है? और रेड कलर की बात कर रहे हैं तो रेड कलर आता है आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की वजह से, मेनली आयरन की वजह से आता है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन सोयल में आयरन की अधिकता होती है, और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलकर फॉस्फोरस का फिक्सेशन करते हैं, तो इस सोयल में फॉस्फोरस का फिक्सेशन हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। अब देखो फॉस्फोरस फिक्सेशन क्या होता है, सबसे पहले अगर आपको पता हो तो किसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोरस फिक्सेशन? बेटा फॉस्फोरस फिक्सेशन किसको बोलते हैं? नहीं पता क्या बेटा? अगर पता है तो हाँ बोलो, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन बताएंगे ना। चलो जयप्रकाश माइक ऑफ करना अपना। फॉस्फोरस फिक्सेशन की अपन बात कर रहे थे। देखो एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टर्म में यूज होता है कि एटमॉस्फेयर में जो N2 होती है, जो प्लांट को अनअवेलेबल फॉर्म में है उसको अवेलेबल फॉर्म में फिक्स करना। NO3 माइनस या NH4 प्लस की बात कर रहे हैं, मेनली NO3 माइनस की ही अपन बात करते हैं। तो देखो ये भी एक टाइप का फिक्सेशन है कि अनअवेलेबल फॉर्म को अवेलेबल फॉर्म में बांधना। फिक्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को बांधना। दूसरा फिक्सेशन ये बताता है कि जो आपकी अवेलेबल फॉर्म है इसको किसी मृदा के अंदर किसी चीज के साथ में जोड़ देना, जिससे वो प्लांट को अवेलेबल नहीं हो जाए। दोनों टर्म में फिक्सेशन यूज होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के लिए जो मेनली फिक्सेशन होता है वो अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही माना जाता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? जैसे आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है ना, कि एटमोस्फियर से राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यही था नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन फास्फोरस के रिलेशन में तो कुछ ऐसा टर्म होता नहीं है, क्योंकि फास्फोरस तो एटमोस्फियर में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो फास्फोरस के फिक्सेशन के रिलेशन में तो अपने पास एक ऑप्शन ही बचता है कि सेकेंड वाला। अब देखो यहां पे प्लांट के लिए अवेलेबल फास्फोरस है सॉइल के अंदर। अब देखो दो टाइप की सोयल हो सकती है, या तो एसिडिक होगी या फिर बेसिक होगी। अगर एसिडिक है तो सिचुएशन में एल्यूमिनियम और आयरन डोमिनेंट होंगे, और बेसिक है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ सोडियम भी डोमिनेंट हो सकता है। तो एसिडिक सोयल में तो आयरन और एल्यूमिनियम फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके आयरन और एल्यूमिनियम का फॉस्फेट बना देते हैं, या आयरन और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बनाते हैं। वहीं पे यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट या सोडियम फॉस्फेट बन जाता है। दोनों में से आयरन और एल्यूमिनियम जो हैं वो फॉस्फोरस को ज़्यादा फोर्स के साथ बाइंड करते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो बॉन्डिंग होती है ना वो हाई होती है या टाइट बॉन्डिंग होती है, तो ये क्या होता है अवेलेबल नहीं हो पाता आसानी से, या अपन बोल सकते हैं कि एक तरीके से इनकम्प्लीट, या अपन बोल सकते हैं कि परमानेंटली फिक्स हो जाता है। जबकि यहां वाला क्या है, टेम्परेरी फिक्सेशन होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पे टेम्परेरी फिक्सेशन हो रहा है और यहां पे परमानेंट फिक्सेशन हो रहा है, हमेशा के लिए फिक्स हो जा रहा है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो एसिडिक सोयल के अंदर आयरन एल्यूमिनियम है,
तो आयरन एल्यूमिनियम फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके आयरन और एल्यूमिनियम के फॉस्फेट बना रहे हैं और परमानेंटली फॉस्फोरस को फिक्स कर ले टाइट कर रहे हैं टाइट बॉन्डिंग के साथ। वहीं पे बेसिक सोयल में कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम में ये सारे भी क्या कर रहे हैं फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्सेशन हो रहा है टेम्परेरी, हो रहा कुछ समय के लिए हो रहा है। अब देखो बात कर रहे थे अपन रेड सोयल की, तो रेड सोयल में क्या पाया जाता है बेटा, आयरन और एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, ये फास्फोरस से क्रिया करेगा और इसको परमानेंटली फिक्स कर देगा, प्लांट को अवेलेबल नहीं होने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे प्लांट के लिए सफिशियंट फास्फोरस सोइल के अंदर था, लेकिन फिर भी प्लांट को अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो यहां पे प्लांट क्या करेगा फास्फोरस की डेफिशिएंसी को शो करेगा भाई, करेगा कि नहीं करेगा फास्फोरस की डेफिशिएंसी को प्लांट शो। बाकी आपके नेचुरली जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो रही है वो तो होगी होगी, तो मेनली फॉस्फोरस फिक्सेशन होता है रेड सोइल में, ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के साथ साथ किसकी होती है, कैल्शियम की होती है, बोरोन की होती है, जिंक की डेफिशिएंसी होती है, ये सभी डेफिशिएंसी आपकी लेटराइट सोइल में भी होती है और इवन लेटराइट सोइल में पोटेशियम की और एक्स्ट्रा डेफिशिएंसी होती है, अपन जब लेटराइट सोइल पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अब अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे ऑर्डर की, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्डर है वो है एल्फीसोल, इसके अलावा आपके पास में एंटीसोल भी पाया जाता है, इंसेप्टीसोल भी पाया जाता है, कुछ जगह अल्टीसोल भी पाया जाता है, लेकिन ये तो रेयर केस की बात करते हैं, मेनली एल्फीसोल और एंटीसोल आपके ऑर्डर यहां पे डोमिनेंट होते हैं। अब देखो एल्फीसोल ऑर्डर है, तो एल्फीसोल ऑर्डर बेटा आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, याद है आपको कि एल्फीसोल ऑर्डर ऐसा ऑर्डर है जिसमें बेस सैचुरेशन 35% से ज्यादा होता है, ये पढ़ाया था आपको। यस सर। और एल्फीसोल ऑर्डर के बारे में एक चीज और बताई थी कि यहाँ पे सिल्ट टाइप की सोइल ज्यादा पाई जाती है, या फिर अपन बोलते हैं कि यहाँ पे क्रस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था, तो इन सोइल में क्या होती है क्रस्टिंग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन या क्रस्टिंग होना या पपड़ी बनना कौन सी सोइल के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है।